कैसे हैं आप लोग? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, अच्छा नहीं था। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल लकी गेमिंग अंकित। सो गाइस, आज की वीडियो हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट रॉयल एसएमपी का पार्ट 4। जैसे कि आपने देखा था, पार्ट 3 में हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, विलेजर्स को लाने गए थे, हो गया उल्टा, वहां पे हो गया था रेड। तो आज हम विलेजर्स को फिर भी नहीं लाएंगे, क्योंकि गाइस विलेजर्स को तो लाना बोरियत का काम है, वो ये नल्ले प्लेयर्स कर देंगे जो एसएमपी में विल्ले घूमते रहते। गजब बेइज्जती है। तो आज हम करने वाले हैं माइनिंग। गाइस देख रहे हो, आयरन आर्मर में तो मैं हुई, मेरे को अब डायमंड के आर्मर में अपग्रेड होना है। भाई डायमंड का आर्मर होगा तभी जाके नेदरराइट के माइनिंग करेंगे ना। तो सबसे पहले हम स्टेप लेते हैं डायमंड की आर्मर के लिए। तो आज हम जाएंगे माइनिंग के लिए, तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा माइनिंग के लिए। पर उससे पहले ये देखो, मेरे फेंस गेट ये खुले खुले हैं पहले से, मतलब यहाँ पे कोई तो आया है मेरे घर पर। मेरे को पता है गौरव आया होगा और मेरे पिक्स भी गायब है, तो कोई नहीं। मैं सॉरी सॉरी गलती से लगे भाई। अरे भाग क्यों रहा भाई, गलती से लग गया। रुक जा भाई, तू यही इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ इसे लेके। भाई तेरे साथ ही आ जा आ जा जा। अरे यार आ जा, खाली हाँ आ जा आ जा, जा। तू बाहर आ गया, तू भी आ जा जल्दी आ। हाँ बिल्कुल सही भाई, इन सब में ही मेरा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं अभी तक डायमंड के आर्मर में नहीं हूँ। आ जाओ, हाँ तू भी खा ले, तू भी खा ले, अब दोनों बंद हो जाओ, अब कहीं जाना मत। अरे यार बंद होना है भाई, अरे यार बंद हो जाओ भाई, अभी वो निकल जाता है, देखना खड़ा है। तो गाइस रात हो गई है, तो सबसे पहले हम सो जाते हैं, वरना फिर रात को क्रीपर वगैरह आ गए ना मेरे घर के पास, तो मेरे घर का सत्यानाश कर दे। A few moments later. आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ, रुक जा। किसको मारना है जल्दी बता, देखना इससे डर रहा है तू, अभी इससे डर रहा है। एक शॉट का भी ठीक से नहीं था ये तो बंदा। कोई नहीं भाई, मैं तो माइनिंग पे जा रहा हूँ, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ नहीं आ रहा। तो गाइस हम वहीं जाएंगे जहाँ पे वो बड़ा सा केव गन है, सबसे पहले हम जहाँ आयरन की माइनिंग। ये किसने मारा, वे वो मार क्यों रहा, वो एक्स मार रहा, वो भाई मार खाने का इरादा है क्या? रुक जा भी बताता हूँ तेरे को, रुक जा भी भाई। एक शॉट का हूँ मैं, एक शॉट तो नहीं दो शॉट का हूँ, ले अब खा दो, एक और खा बस। अबे दो शॉट का था तू बस, फालतू में पंगे ले रहा। और कर रहा नहीं तो भाई, मैं तेरे को परेशान मत कर, तू बस मेरे को माइनिंग पे जाने दे। गाइस देख रहे हो कैसे परेशान कर रहा है, इसलिए मैं गाइस आप लोगों ने भी कहा था कि मेरे को एसएमपी में ले लो, मेरे को एसएमपी में ले लो। काफी लोगों ने कहा था एसएमपी में लेने को, पर गाइस मैं उसी को लूंगा जो लॉयल और होनेस्ट रहेंगे, मतलब क्योंकि गाइस रिस्क नहीं लेना। इसमें मैं वीडियो बनाता हूँ और कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसका दिमाग खराब हो, कुछ भी खराब करके चला जाए। तो ये वही है माइनिंग, इस पे हमें ध्यान से चलना है। देखो टॉर्चेस लगे हैं, ये देखो यहाँ पे टर्ट का ब्रिज बना है, यहाँ से हम लोग बाहर निकले थे। खैर ऐसे तो मेरे को ध्यान से एमएलजी करनी है, मैंने वहाँ जब विलेज से आ रहे थे बीच में से मैंने स्नो उठा लाया था, वाटर बॉटल, और ये नहीं हुई। सॉरी सॉरी भाई, मेरे से नहीं होती है एमएलजी ढंग से। कोई नहीं, अब मेरे को कहाँ जंप लगाना है, मेरे को ध्यान से कूदना है, मेरे को यहाँ जंप लगाना है। गाइस ये मेरे लिए धर्म संकट नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस संकट है, इंटेंस सिचुएशन है। अब क्या मैं ये काम कर पाऊँगा, क्या मैं ये एमएलजी कर पाऊँगा? खैर ये एमएलजी नहीं है, ड्रॉप होना है मेरे को बिना बकेट के, सीधा वाटर पे कूदना है। अगर मेरे बस की है तो वीडियो को लाइक करना अगर मैं कर लेता हूँ, और अगर नहीं कर पाता तो आप कमेंट कर सकते हो कि नूगा नूबड़ा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा जरूर। 3, 2, 1 जय बजरंग बली। और ये हो गया भाई साहब। गाइस चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, पहले आइकन को ऑल पे सेट कर दो, और वीडियो को लाइक करना मत। तो यहाँ पे मैं डीप स्लेट वाले में आ चुका हूँ, वैसे ही बहुत ज्यादा अंदर है, -12 तक हम पहुँच गए और ये अभी और अंदर जा रहा है। चलो अच्छी बात है, आर्मर स्टैंड कैसे बन भाई, मैं क्यों बताऊँ, मेरा दिमाग मत चाट। अभी मेरे को यहाँ पे और आगे रास्ता ढूंढना है। ओके तो गाइस आज के माइनिंग का सबसे पहला ओर मिल चुका है, वो भी गोल्ड का, डायरेक्ट आयरन भी नहीं गाइस, डायरेक्ट गोल्ड। ओके यहाँ पे 3, 4, 5, 6 बहुत सारे गाइस, बहुत सारे, मैं माइनिंग फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। आ जाओ, आप ही की कमी थी बस, प्रभु ने दर्शन दे दिया फाइनली। हाँ आ जाओ, तुम्हारे बस की कुछ नहीं, देखा ट्रिक है गाइस, क्रीपर के आगे बस ब्लॉक लगा दो, वैसे तो ये आपको सबको पता हो। ओके गाइस अंदर विच है, मेरे को ध्यान से बिल्कुल चलना है। हाँ कहाँ है, नहीं लगा, कहाँ गई है, रुको पहले थोड़ा रोशनी कर लेते हैं, कुछ दिखने। ओ भाई ये क्रीपर कहाँ से आ गया भाई, बच गया भाई, इसने तो झटका दे दिया भाई। ओ भाई ये आ गई भाई, इसने इफेक्ट दे दी मेरे को पॉइजन का, मर जा जल्दी से मर जा। अब यार ये तो पोशन फेंके जा रही है, ये तो हार्मिंग का फेंक दी मेरे पास। अरे भाई और फेंक, बस मैं गया भाई, जल्दी से बच जा। अरे यार मैं मिल्क बकेट वैसे भी लाना नहीं था मेरे को, तो फिर भी लाना चाहिए था। अरे यार खाना खा लो। हाँ मैं बच गया, मुझे पता चल गया, हाँ मैं बच गया, अब नहीं होगा कम तो। ओ भाई डायमंड, भाई यहाँ तो डायमंड मिल गया, इतनी
इतनी जल्दी डायमंड मिल गया मेरे को, कांग्रेचुलेशंस गाइस, मजे आ गए भाई। जल्दी से माइनिंग करने से पहले मैं यहाँ पे खाना खा लूँ, मेरे को पता नहीं कि डायमंड भी माइन कर लूँ और मर भी जाओ कोई फायदा नहीं। ओ भाई लैपिस भी है यहाँ पे, चलो यहाँ पे लाइटनिंग कर दो और इस लैपिस को भी ले लेते गाइस, एन्चेंटमेंट टेबल के काम आएगा। और वैसे भी हमें डायमंड से पहले एन्चेंटमेंट टेबल बनाना है, आर्मर का तो देखा जाएगा, आर्मर में बहुत ज्यादा लगता है, विलेजर से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये क्या नीचे लावा में तो नहीं गिरेगा? ना 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 नहीं गिरेगा मेरा डायमंड, एक नहीं गिरा मेरे पास आ गया। हाँ एक मिल गया हमें, दो ओ नो शिट यार, तीन तो कम से कम मिलनी चाहिए थे गाइस। कोई नहीं गाइस, मेरे पास दो दो डायमंड आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि ये हमारे माइनक्राफ्ट के सबसे पहले खुद के पर्सनल डायमंड्स नहीं है, इससे पहले भी मेरे को डायमंड मिले थे दो। हाँ मेरे पास दो डायमंड पड़े हैं पहले से, सॉरी बताया नहीं, मैं माइनिंग पे गया था तभी मेरे को मिल गया था ऐसे। तो आज फिर से हम दोबारा से और माइनिंग करने कंटिन्यू करते। Few moments later. अरे यार गाइस ये शायद से एंशियंट सिटी है, चलो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर से देखते हैं, इधर नहीं जाना मेरे को, एंशियंट सिटी पे नहीं जाना बस यार। ओ भाई नहीं, ये तो यहाँ पे भी है भाई, ये तो पूरा का पूरा एंशियंट सिटी है भाई पूरा, ये नहीं कि थोड़ा बहुत दिख रहा हो भाई साहब, यहाँ से वैसे कुछ चेस्ट वगैरह दिख तो नहीं रहा। खैर फिर भी जाऊँगा नहीं, मुझे पता है यहाँ पे जाना है, मेरे को मौत को दावत देना है और कुछ नहीं, जो मेरे पास डायमंड है वो भी चले जाएंगे और कुछ नहीं। क्योंकि गाइस यहाँ पे वार्डन जो है ना बड़ी दूर तक उसका रेंज है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल में खेल रहे ईजी में नहीं, और इजी में ही वो हमें मार के रखता है, तो यहाँ तो और भी ज़्यादा मारेगा, तो मेरे को इधर से निकल लेना चाहिए, इसे ज़्यादा फायदा। और मैं थोड़ा माइनिंग को और कंटिन्यू कर दूँ। गाइस दो डायमंड के बाद एक भी डायमंड नहीं मिला मेरे को, सिर्फ आयरन तोड़े जा रहे हो, गोल्ड तोड़े जा रहे हो, लैपिस तोड़े जा रहे हो, पर ये डायमंड मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं थक हार के भाई मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर पे, भाई क्या पता कहीं ये भी रिसोर्सेज नहीं बचे तो क्या करूँगा, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पानी के सहारे निकल दूँ। बाहर निकलने से पहले मैं यहाँ पे आयरन को स्मेल्ट कर लेता हूँ, वो इसलिए क्योंकि गाइज मेरे आयरन के आर्मर इन लोगों ने तोड़ चुका है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करा मैंने, काफ़ी ज़्यादा कट भी कर दूंगा क्योंकि गाइज इतनी ज़्यादा लड़ाई में आपको शो कर नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ही देर तक लड़ाई। A few moments later. तो गाइज मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, पूरा तैयार हो गया हूँ, आयरन आर्मर पूरा बढ़िया से बना दिया है नया, और मेरे पास सभी टूल्स है, एक्स है, सॉर्ड है, पिकैक्स है। तो अब मैं सीधा मैं बाहर निकलूंगा, पर वार्डन के लिए तैयार नहीं हुआ, वार्डन क्या छोड़ो, एंड ड्रैगन से भी अभी लड़ने के लिए, हाँ एंड ड्रैगन को मार सकते हैं अगर मेरे को कोई पोर्टल खोल के दे देगा। तो यहाँ से हम जल्दी से निकलते हैं बिना किसी देरी के। अरे यार इन्वेंट्री पूरी भर चुकी है मेरे को, ये पहले यूजलेस आइटम फेंकने होंगे, जैसे ये जॉम्बीज के और ये स्पाइडर, ये स्टिक रहने देता हूँ, हाँ इसके टॉर्च बना लेता हूँ, एक ही वजह था, इसको फेंक दो, इसको फेंक दो और इसको फेंक दो और इस गोल्ड को यहाँ रख दो। हाँ बस मेरे पास और क्या कचरा है। ओ ये क्या हुआ, अबे यार ये क्रीपर फिर से पीछे से कहाँ से आ गया भाई, ये मेरे पीछे क्यों पड़ रखा है गाइस, पार्ट वन से लेके पार्ट फोर तक ये यही काम कर रहा है, मेरे पीठ पीछे वार कर रहा है यार। अब मेरे को रास्ता भी कोऑर्डिनेट भी याद नहीं, रास्ता ख्याल से मेरे याद होगा, जैसे अब मेरे को यही करना पड़ेगा, मेरे को सारा सामान चाहिए और मेरे पास दो डायमंड भी थे, अरे दो डायमंड जो मेरे पास आयरन बहुत ज़्यादा ही थे, अब मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा वहीं। A few moments later. ओ भाई शायद से, हाँ भाई मैं पहुंच गया भाई। ओ भाई देखो गाइस बिना कुछ लिए, बिना किसी ब्लॉक या बिना किसी फूड के ऐसी अंधेरे में, सर भाई तेरी कमी थी क्या, चली जा बहन चली जा, मेरा सामान है, अरे यार हट जा भाई, मर जा, अरे यार मर जा बहन, मेरे को भाई मेरा अपना सारा सामान लूटने, मेरी HP भी कम है, अरे यार इसको भी इसी टाइम पे आना था, हाँ बस 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 ऐसी डिफीट करना, बस मेरे को स्पैमिंग चलानी, अरे ऊपर से खिवारी भाई मेरे को मारेगी, कहाँ गई, देखो खुद गिर के ही मर गई। कोई नहीं अब मेरा सारा सामान मेरे को मिल जाएगा, अरे यार चल जा जल्दी जल्दी चल चल, कि इससे पहले कोई स्केलेटन या फिर ज़ॉम्बी वगैरह आ जाए। अबे यार ओ भाई कौन आ गया, अब यार इसको भी इसी टाइमिंग पे आना था, बिल्कुल जब मैं पहुंच गया तभी घुसा ये भी बंदा, पहले मार देता तेरा क्या जाता। A few moments later. ओके तो गाइस यहाँ पे जो सामान था मैंने सब लूट लिया, वैसे काफी चीजें मेरी मिल नहीं रही, जैसे लैपिस लजूली और ये। ओ भाई नहीं नहीं नहीं
अबे यार ये क्या हो रहा है भाई, मैं कितनी बार मरूंगा, कितनी बार जाऊंगा। अरे यार फेक तो वो बहुत दूर है और ऊपर से मैं बार बार मर जा रहा हूँ यार। भाई माइनक्राफ्ट खेलना ही बंद कर दूंगा, मैं दिमाग खराब हो गया। मेरे से ज्यादा बुरी किस्मत नहीं हो सकती। ये गड्ढा कहाँ से आ गया, इतनी देर से तो नहीं था, ये किसने बना दिया है गड्ढा भाई। सच में मेरा दिमाग खराब हो गया। अब नहीं जा रहा भाई, अब मेरा मूड नहीं भाई। भाई मैं वीडियो में नहीं जाने का, अब भी पता नहीं मैं वीडियो में गया तो कितनी बार भरूंगा। तो बाय द वे अगर आप यहाँ तक देखे हो गाइस, यहाँ तक वीडियो देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक भी कर दो और बेल आइकन को ऑलवेज सेट कर दो, क्योंकि इसके अगले पार्ट आने ही वाले। बाय बाय एंड टाटा।